हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज हम आपको लेके आए हैं भोपाल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022। मुझे मिलने वाला सर्टिफिकेट मुझे बाबा मिले थे, वहाँ पे मैंने इनका आशीर्वाद लिया सबसे पहले। तो दोस्तों फिर मुझे मिलते हैं वहाँ के सीएम, जो कि एमपी के सीएम है शिवराज चौहान जी। तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी पब्लिक उनको देखने के लिए जुटी है। तो मैं आपको दिखाता रहूँगा इस ब्लॉग में, यही है कि इस यहाँ पे क्या क्या था, क्या क्या होने वाला था, तो आपको बराबर दिखाऊँगा। आप वीडियो पर बने रहें, तो देखते रहें। देखो जी कैसे सबके चेहरे पे स्माइल है। दोस्तों पहले कुछ इस प्रकार कपड़े बनते थे। यह मशीन कपड़े बनाने वाली है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें आगे पीछे धागे लगा रखे हैं, जो कि रोल हो चलते हैं धागे इनके। तो उस प्रकार कपड़े हमारे बनते हैं, जैसे ये देख पा रहे होंगे सामने स्क्रीन पर। और इन्होंने देखो कितने सारे तमाम वेराइटी के कपड़े बना के अपने रेडी रख रखे हैं, जो कि इन्हें सेल के लिए रख रखे हैं ये। दोस्तों हम आ चुके हैं माटी कला बोर्ड की स्टॉल पर। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये माटी के बर्तन बने हुए हैं तमाम वेराइटियों के। और यहाँ पे मुझे आगे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैं अपनी लाइव अपने हाथों से बना रहा हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ आपको एकतमा धाम, जहाँ पे पूरा एकतमा धाम की पूरी फोटो के जरिए, बैनर के जरिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप स्क्रीन पर देखते रहें बराबर, तो आपको अच्छा लगेगा। अब आने वाले हैं हमारे बाबा। बाबा आ चुके हैं स्टॉल के, और बाबा को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा सबसे बातें करते हैं बहुत सारी। दोस्तों आप जो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हो 0.25 mm, 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, ये एग्रीगेट है, जो कि कंक्रीट है, जो कि यह भी मध्य प्रदेश की चट्टानों में से निकाली जाती है। और वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, ये पत्थर भी, जो एग्री जो आप स्टोन देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये तमाम वेराइटियों के स्टोन है, कलरफुल है, जो भी आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, जो ये पाइप लगा हुआ है, जैसे हमारे वॉशरूम में जहाँ पे हम शुशु करते हैं यूरिन के लिए, जो जेंट्स टॉयलेट, उसमें जो स्मेल जाती है, जो गैस के थ्रू जाती है, उसके लिए समाधान है। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, जैसे आप देख नॉर्मल पाइप है, नॉर्मल पाइप है, इससे धुआं निकल रहा है, जैसे कि गैस, इसमें आप गैस बोल सकते हो, यूरिन में से जो निकलने वाली गैस। ये हमारा सेटअप जो हमने खुद से रेडी किया हुआ है, इसमें से हमारे देखो कुछ नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं वुडन पक्षी, जो कि लकड़ियों के पक्षी बना रखे हैं। ये देखो कितने प्यारे प्यारे चील, कौवा, बाज, इतने प्यारे प्यारे बना रखे हैं, इनको भी देख के बहुत अच्छा लगा। और क्या हाथ की कलाकारी है देखो। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पे तुम देख रहे हो, हमारे जो गॉड हैं, गॉड और जो भी इन्होंने मूर्ति बना रखी है, हर वेराइटी वेराइटी की, ये भी इन्होंने की
हाथ की कलाकारी है। ये पहले अपना एक सांचा तैयार करते हैं, फिर उसमें अपना इस जो भी मेटल का बनाना चाहते हैं वो मेटल डालते हैं, फिर इनकी मूर्ति बन जाती है। इनको भी देख के बहुत अच्छा लगा। जिस तो दोस्तों हम आ चुके हैं लालटेन की तरफ, जो कि ये प्यारी प्यारी डॉल बना रखी हैं ये, जो कि इतनी अच्छी लग रही हैं देखने में। ये देखो तोप बना रखी है, गोले बारूद फेंकने वाली। ये देखो कितने प्यारे प्यारे इन्होंने ये क्या है ये मेरे को नहीं पता है, कमेंट करके बताएं दोस्तों ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों सामने जो देख पा रहे हो आप, ये ग्रहण का मॉडल है, जो इसे ग्रहण पड़ता है तो उसके बारे में पता लगा के बताते हैं कि कैसे पड़ रहा है ग्रहण, क्या अभी क्या दिशा चल रही है। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सामने हमारी पृथ्वी भी दिख रही है, और ये जो एक और जो एक ये जा रखी है, ये देखो इसका मुझे नहीं पता दोस्तों इसका क्या नाम है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ये मॉडल। तो आप जिसको पता है इसका कमेंट के नाम बताएं। जैसे देखो सामने ही जा रही है, तो जिस पे हमारे सूरज है, सूरज की किरणें जब अभी अभी देखो ग्रहण नहीं है क्योंकि ऊपर है ये हमारी ये थोड़ी सी ये छोटी सी। अब जब ये हमारी पृथ्वी के सेंटर में आएगी और जैसे इस प्रकार अब तो नहीं पड़ेगी क्योंकि लाइट नहीं आ रही, तो सूरज की जिस दिशा में जाएगी और लाइट पड़ेगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अभी भी नहीं पड़े क्योंकि अब दूसरी अपोजिट दिशा में है ये। जब सूरज के सामने हमारी छोटी वाली बॉल आएगी, जैसे कि आने वाली है अब कि उसमें घूम जाएगी, थोड़ा और घुमाओ अंकल इसको थोड़ा और घुमाओ, जैसे अब के राउंड में शायद देखो देखने को आपको दिख जाए। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है और जैसे जैसे ग्रहण की एक दिशा हम जो बोलते हैं ग्रहण है, अभी भी ग्रहण नहीं पड़ सकता क्योंकि ये हमारी दिशा अपोजिट दिशा में जा रही है। अब देखो अब ग्रहण आया, जैसे अंकल जी थोड़ा फिर से करेंगे, ये देखो ये अब ये ग्रहण बनेगा, ये बन गया ग्रहण। अंकल जी रोको रोको क्या कर रहे हो आप, इसे अभी आगरा ले जाओगे क्या, रोको रोको रोको, अभी भी नहीं है ये, अभी दूसरी दिशा में, ये बहुत जल्दी से ग्रहण नहीं पड़ता है, जैसे बोलते कि ग्रहण आ जाए, ग्रहण जल्दी से नहीं पड़ता, ग्रहण के लिए एक समय बनता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे अब बनेगा ये देखो ये आया, इस परछाई दिखी है पृथ्वी पर, ये जो ये इस एरिया में ग्रहण पड़ रहा है हमारा, तो इसको हम ग्रहण बोलते हैं। तो देख लो गाइस अब ये हैंडमेक झाड़ू हैं, जो कि ये भी हाथ की कलाकारी से बनी हुई है, कोई मशीन का यूज नहीं हो रखा इन्होंने देखो अपना। तो दोस्तों अब देखिए आप लड़कियों के लिए जो कुंडल होते हैं, जो कानों में नेल नाक के नोज, ये इन्होंने उन लड़कियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे लकड़ियों के कुंडल बना रखे हैं। ये देखो बैल बुग्गी कितनी प्यारी है दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो ये अंडे हैं, ये कोई पत्थर नहीं है, ये 1200 साल पुराने अंडे हैं, जो कि इसमें मैंने लिख रखे हैं जहाँ जाके जिसके भी हैं, इसमें डायनासोर के भी अंडे देखने को मिलेंगे आपके, जो सामने देख रहे हो तीन अंडे, इस पर डायनासोर बैठा है, ये डायनासोर के अंडे हैं। तो आपको कैसे लगे ये अंडे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों जिस कार को आप देख रहे हो सेंसराइड कार है, जो कि ऐसी कार का एक मॉडल बनाया एक स्टूडेंट ने, जो कि ये सारी सेंसरों से बनी हुई है। दोस्तों हम आ चुके हैं बिजली विभाग के मॉडल की तरफ, ये देखो पूरा बिजली का प्लांट ऐसा होता है, ऐसे जैसे जैसे बिजली आती है हमारे घरों में पहले इन बड़े बड़े तारों से गुजर के आती है। आप देखो कितने प्रकार के हैवी सर्किट के तार देखने को मिलेंगे आपको, ये बड़ी बड़ी इक्विपमेंट हैं, ये बड़ी बड़ी मशीनरी हैं, क्या क्या यूज होते हैं, कौन कौन से थंबल यूज होते हैं, कौन कौन सा वायर, कौन सा ट्रांसफार्मर। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये पत्थर है, जो ये कच्चा पत्थर है, जो ये मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में कहाँ कहाँ मिलता है, ये प्लेट जो दे रखी हैं आप पॉज कर करके देख लें, ये पत्थर के बारे में बता रहे हैं कि पत्थर कहाँ कहाँ मिलते हैं। दोस्तों जो मैंने अभी आपको कच्चे पत्थर दिखाए थे, ये कच्चे वाले पत्थरों में से मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने टाइल की है, देखो कितनी प्यारी प्यारी कलरफुल टाइल इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है। इनके लिए भी एक सलूट तो बनता है, ये भी बहुत मेहनत करके इन्हें सर्च करी है, जब जाके ऐसी ऐसी टाइल लेके आए हैं।
तो दोस्तों सामने जो आप देख रहे हो नॉर्मल ड्रोन नहीं है, ये ड्रोन ऐसा ड्रोन है जो कि एयर में जाता है, पोल्यूशन को बताता है कि यहाँ पे कितना पोल्यूशन है, और ये इन्होंने का इन्हीं का ही एक मॉडल है। दोस्तों जो अभी दिखाई थी 2 mm से एग्रीगेटरी, ये अब 10-25 mm एग्रीगेट जो कि हम रोड बनाने के लिए यूज में लेते हैं, जैसे इस प्रकार रोड बनता है जैसे देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये सुपर टेक कंपनी है जो कि अभी आपने देखा था नोएडा में जो 2 in tower ब्लास्ट हुए थे, ये भी टेक्नोलॉजी बताई गई है यहाँ पे कैसे कैसे ब्लास्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों मैं अब लेके आया हूँ आपको रॉकेट के मॉडल की तरफ। ये देखो उन प्यारे प्यारे मॉडल बना रखे हैं जो हमारे अब तक साइंटिस्टों ने रिसर्च की है, इतनी मेहनत की है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे मॉडल्स आपको देखने को मिले हैं, जहाज, ये देखो एक कैंट जो कि आर्मी के लिए, इसमें मिसाइल भी लगी हुई है, और जिसका जो जो नाम है कमेंट करके बताते रहें, मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ कम भी पता है। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज। दोस्तों जो रेड रिंग में जो आप छोटे छोटे देख रहे हो बारीक से तिल हैं जो कि 276 साल पुराने तिल हैं। जो आप ब्लैक रिंग में देख पा रहे हो ये छोटे छोटे चना हैं जो कि 122 साल पुराने चना हैं। अभी जो आप गेहूं देख रहे हैं ये भी 122 साल पुराने गेहूं हैं, कुछ इस प्रकार हुआ करते थे हमारे पहले गेहूं। अभी देख रहे हो ये चावल हैं। ये दोस्तों अभी जो आप प्रक्रिया देख रहे हैं ये लोहे निकाल रहे हैं जो कि कुछ समय पहले हमारे भोपाल की मिट्टी में से लोहा निकलता है जो कि आयरन, जिसे आप देख पा रहे ये अब धातु बना रखी है, ये वो मिट्टी रेड रेड जो आप देख पा रहे हो ये कोयला है, कोयला में और ये मिट्टी में मिक्स करते हैं जो कि 1 kg मिट्टी में तकरीबन 100-150 ग्राम हमारा लोहा निकल के निकल जाता है। तो उस प्रकार लोहे निकलने के बाद ये हमारी जो सामने देख पा रहे हो ये इस प्रकार से ये तमाम खिलौने जो कि आप देख पा रहे हो नई नई स्टैचू रेडी करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। इस पर एक और खास बात थी इसकी, यह कभी भी जंग नहीं लगता, इसमें रस्ट प्रूफ है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे इन्होंने अपनी कलाकारी दिखाई हुई है। और भी इसकी जानकारी ये सामने जो चार्ट लग रहा है इसमें पूरा पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।